केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। केरल में राहुल गांधी द्वारा बिना नाम लिए अमेठी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं। उनके बयान पर स्मृति ने कहा कि एहसान फरामोश इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोता चना बाजे घना। तो वहीं यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीमान राहुल जी सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला है। तो आपको बता दें कि राहुल ने अपने केरल दौरे के दौरान अमेठी को लेकर बयान दिया था, जिसपे स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद हैं उन्होंने अब बयान दिया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए गौरव शर्मा संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गौरव, जिस तरीके से अब आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं और लगातार जो नेता हैं उनके दौरे जारी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन दिनों केरल में थे जहां उन्होंने अमेठी को लेकर एक बयान दिया था, अब बीजेपी ने उनके इस बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। मैं चाहूंगा कि ये जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट के बाद ही राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं और केरल में चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर वहां पर जो योगी आदित्यनाथ है और स्मृति ईरानी है, ये सब लोग भी वहां पर एक्टिव हैं, तो ये ट्वीट को कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ देते हुए उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस और अन्य घटकों को घेरने का प्रयास किया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।